आज के इस न्यू वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले टॉप 11 बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की। इनमें से बहुत सारी सीरीज ऐसी हैं जो कि इसी महीने के 1 या 2 तारीख को ही रिलीज हुई हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको हर वीकेंड एक नया शो चाहिए होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कोई भी सीरीज अगर हमसे मिस हो गई तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो। और जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनको दिल से थैंक्स, और जो इस वीडियो के न्यू सब्सक्राइबर है वो कमेंट में प्लीज न्यू सब्सक्राइबर कमेंट कर देना। नंबर 11 लीग्ड, ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी स्टोरी मुंबई के ऑकवुड हाई स्कूल की है, जहाँ के स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा अमीर है। इस स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की का MMS लीक हो जाता है और MMS लीक होने के 48 घंटे बाद वो लड़की मर जाती है। लोगों के हिसाब से उसने सुसाइड किया होगा, लेकिन असली सच क्या है? क्या उसने सुसाइड किया है या फिर उसका मर्डर हुआ है, और उसका MMS किसने लीक किया होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा एडल्ट सीन्स और गालियाँ हैं। इसके साथ साथ सीरीज़ में एंड तक सस्पेंस बना रहता है। सीरीज़ में 8 एपिसोड है जो कि 18 से 25 मिनट लंबे होंगे, और ये सीरीज़ आपको Amazon ऐप के मिनी टीवी पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 10 बजाओ, ये एक म्यूजिकल कॉमेडी वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी मेनली 3 फ्रेंड्स की है, कुकी, वेद और धारी। इन तीनों को म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए मिले होते हैं, लेकिन एक पार्टी के दौरान ये लोग पूरा बार ही जला देते हैं और वो 2 करोड़ रुपए भी कहीं गायब हो जाते हैं, और बब्बर मतलब कि रैपर रफ्तार भी कहीं गायब हो जाता है, और उन लोगों के पीछे एक गुंडा पड़ा होता है। अब उनके पास सिर्फ 48 घंटे बचे होते हैं पैसे लौटाने के लिए। तो सीरीज़ में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। म्यूजिक लवर के लिए ये सीरीज़ मस्ट वॉच है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि जियो सिनेमा पे फ्री में अवेलेबल है। नंबर 9 राजनीति, ये एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी राशि नाम की एक लड़की की है जिसके पापा एक पावरफुल पॉलिटिशियन होते हैं। एक दिन राशि की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी मेमोरी पूरी तरीके से लूज़ कर देती है, यहाँ तक कि वो किसी को पहचान तक नहीं पाती। लेकिन अब उसको सच का पता करना होता है। सीरीज़ में जो डर्टी पॉलिटिक्स दिखाई गई है वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि कोई गद्दी पाने के लिए कितना गिर सकता है। इस सीरीज़ को आप 1 टाइम वॉच कर सकते हो। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं, और ये सीरीज़ आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 द ब्रोकन नेस्ट, इस सीरीज़ की कहानी अपर्णा नाम की एक लड़की की है जिसकी शादी को 7 साल हो गए और उसकी 5 साल की एक बेटी भी होती है। उसका पति कॉलेज में एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर है। उसकी फैमिली में ट्विस्ट लाने का काम करती है कॉलेज की एक लड़की जो उसके पति पे सेक्सुअल हरेसमेंट का एलिगेशन लगाती है और क्लेम करती है कि उसके पेट में उसका बच्चा है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। तो अब ये मैटर पुलिस के पास चला गया होता है। तो आगे क्या होता है, क्या है सच्चाई, इस सीरीज़ में #MeToo मूवमेंट भी दिखाया गया। ये सीरीज़ सोसाइटी में एक मैसेज देने का काम करती है। इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है और ये सीरीज़ आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 मथगम, ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक पुलिस वाले और एक क्रिमिनल के अराउंड लिखी गई है। एक गैंगस्टर है जो पुलिस के हिसाब से मर चुका होता है, लेकिन कुछ सालों बाद पुलिस को मालूम पड़ता है कि वो जिंदा है और एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा होता है जिसमें देश भर के अंडरवर्ल्ड के लोग आने वाले होते हैं और कुछ बड़ा प्लान करने वाले होते हैं। जिसके पास अश्वथ जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है कि उस पार्टी में क्या होने वाला है, इतने बड़े बड़े गैंगस्टर उस पार्टी में क्यों आए हुए होते हैं। इन सारी चीज़ों की मिस्ट्री जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में डर्टी पॉलिटिक्स और करप्ट पुलिस ऑफिसर और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है। इस सीरीज़ में 5 एपिसोड है और ये सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 6 गोरा सीज़न 2, ये कॉमेडी थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी गोरा द प्राइवेट डिटेक्टिव की है जो कि गंजा होता है जिसकी वजह से उसकी शादी ही नहीं हो रही होती है। लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि वो 15 दिन में कैसे भी शादी करके दिखाएगा। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच एक लड़की अपनी बहन और उसकी 3 साल की बेटी के मर्डर का केस लेके आ जाती है जो कि ब्लड वोमिटिंग की वजह से मरी होती है। और इतना ही नहीं, उसके घर पे 2 और बच्चों का सेम इसी तरीके से मर्डर हुआ होता है। गोरा जैसे जैसे इस केस को सॉल्व करता है केस वैसे और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो गोरा इस बार इस केस को कैसे सॉल्व करता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस बार सीरीज़ में थ्रिल के साथ थोड़ी कॉमेडी भी ऐड की गई है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है। अभी ये सीरीज़ हॉईजॉय पे अवेलेबल है, लेकिन जल्द ही ये सीरीज़ आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपडेट जानने के लिए। नंबर 5 लखन लीला भार्गव, अगर आपने जॉली LLB मूवी देखी होगी तो ये वेब सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि सीरीज़ में जो अपना वकील है लखन लीला भार्गव यानी कि LLB वो भी जॉली के जैसा ही है, क्योंकि इसके पास भी कोई केस नहीं है। वो रोज़ कोर्ट का चक्कर लगाता है लेकिन उसको कोई केस ही नहीं मिलता। उसके दोस्त भी केस दिलाने में मदद करते हैं लेकिन फिर भी उसके हाथ से केस निकल ही जाता है।
उसकी मम्मी का सिर्फ एक ही सपना है कि उसका बेटा सिर्फ लखनऊ का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा वकील बने। तो उनको अपना पहला केस कैसे मिलेगा? सीरीज़ में भरपूर कॉमेडी है, ऊपर से रवि दुबे की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग। अभी तक इस वेब सीरीज़ के 3-4 एपिसोड आए और डेली इसका नया एपिसोड आने वाला है और ये सीरीज जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। नंबर 4 आखिरी सच। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर सीरीज पसंद है तो इस सीरीज को किसी भी कीमत में मिस मत करना। इस सीरीज की स्टोरी में आपको एक फैमिली देखने को मिलेगी जिस फैमिली के 11 लोग एक साथ एक ही तरीके से सुसाइड कर लेते हैं और इस फैमिली में इतने भयानक कांड है जो आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का काम कर रही होती है तमन्ना भाटिया जो कि एक पुलिस ऑफिसर है आन्या। तो क्या है मिस्ट्री ये तो आपको सीरीज़ ख़त्म करने के बाद ही पता चलेगी। अब तक इस सीरीज़ के सिर्फ 3 ही एपिसोड आए हैं और बाकी एपिसोड आपको हर फ्राइडे को देखने को मिल जाएगा। सीरीज़ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। टॉप 3 की वेब सीरीज़ बताने से पहले आपको किस टाइप की वेब सीरीज़ पसंद आती है ये कमेंट करके बता दो और जो भी चैनल पे पहली बार आया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 3 स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। इस सीरीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको ये पता है कि ये सीरीज़ किस सीरीज़ का सीक्वल है। इस बार की कहानी 30,000 करोड़ के घोटाले की है। कैसे एक नॉर्मल आदमी जो कि ट्रेन में फ्रूट्स बेचता है वो दुबई जाता है, स्टैम्प पेपर स्कैम करता है, फर्जी पासपोर्ट बनाता है और इतना पैसा होने के बावजूद नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जीता है। तो सोचने वाली बात ये है कि वो ये सब कुछ करता कैसे। अगर आपको भी ये जानना है तो तुरंत सोनी लिव ऐप पे जाके 5 एपिसोड वाली इस वेब सीरीज़ को अभी वॉच करो। भले ही ये सीरीज़ स्कैम 1992 का ही सीक्वल है लेकिन ये सीरीज़ स्कैम 1992 को टक्कर नहीं दे सकती। लेकिन अब तक इस सीरीज़ के 5 ही एपिसोड आए हैं और बाकी 5 एपिसोड कुछ दिनों में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। नंबर 2 गन्स एंड गुलाब नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई ये वेब सीरीज़ बहुत ही खास है जिसमें आपको 45 से 80 मिनट के 7 एपिसोड देखने को मिलते हैं। इस सीरीज़ के मेकर वही हैं जिन्होंने द फैमिली मैन और फर्जी जैसी मास्टरपीस वेब सीरीज़ दी है। सीरीज़ के मेन प्लॉट में 4 कैरेक्टर्स हैं। पहला है छोटा गांची जो कि एक ड्रग लॉर्ड का बेटा है। दूसरा है अर्जुन जो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का पुलिस ऑफिसर है। तीसरा है फोरकट आत्माराम जो कि सुपारी किलर है और चौथे हैं पाना टीपू जो कि एक मैकेनिक है। पूरे सीरीज़ की कहानी अफीम और राइवल गैंग्स के बीच की स्टोरी है जिसको डार्क ह्यूमर के साथ प्रेजेंट किया गया है। पूरी कहानी 90s में सेट की गई है जो आपको एक नॉस्टैल्जिया राइड पे ले जाती है। अगर आप कोई ऐसी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना चाहते हो जिसमें इंटरटेनमेंट भरपूर हो तो ये सीरीज़ आपके लिए है। हमारे लिस्ट में 1st नंबर पे द फ्रीलांसर। अगर स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज़ के जनर में कोई नाम सबसे बड़ा है जिसपे ऑडियंस आँख बंद करके भरोसा कर सकती है तो वो है नीरज पांडे क्योंकि इनकी स्पेशल ऑप्स वेब सीरीज़ ने ये प्रूव करके दिखा दिया। इस बार कहानी सीरिया में सेट की गई है। इंडिया की एक लड़की है आलिया जो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे गई होती है लेकिन वहाँ पे उसको ISI के द्वारा कैद कर लिया जाता है और अब इस लड़की को इंडिया लाने की जिम्मेदारी होती है मोहित रैना मतलब फ्रीलांसर अविनाश की। तो अब कैसे इस सुसाइड जैसे मिशन पे वो उस लड़की को बचाएगा क्योंकि वहाँ पे वॉर जैसी सिचुएशन होती है। सीरीज़ का स्क्रीन प्ले और स्टोरी टेलिंग आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगा और उस पे से मोहित रैना, सुशांत सिंह और अनुपम खेर की एक्टिंग ये सीरीज़ आपको देखने के लिए मजबूर करती है। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं लेकिन अभी तक इसका 4 ही एपिसोड आया है और ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। हमारा ये वीडियो तो यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको इससे अच्छी कोई क्राइम थ्रिलर सीरीज़ पता है तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।